सोलन पुलिस को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए सोलन के पुलिस लाइन में एक विशेष परेड का आयोजन किया गया। इस परेड की अध्यक्षता जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने की। इस मौके पर पुलिस विभाग के करीबन 150 कर्मियों और अधिकारियों ने परेड में भाग लिया। इस मौके पर पुलिस कर्मियों से प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करने के लिए आकर्षक परेड का प्रदर्शन करने वाले दो कर्मचारियों को जिला पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित करने का निर्णय भी लिया। आपको बता दें कि ये परेड पुलिस विभाग द्वारा हर तीसरे माह करवाई जाती थी, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने इस परेड को हर माह आयोजित करने का निर्णय लिया ताकि वह शारीरिक रूप से फिट रहें। जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन पुलिस लाइन में जिला स्तरीय परेड का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की परेड से जहां पुलिस कर्मी शारीरिक रूप से फिट रहते हैं, वहीं दूसरी ओर उनमें अनुशासन की भावना भी जागृत रहती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पहली बार पुलिस कर्मियों के लिए खुला दरबार का आयोजन भी किया गया है, ताकि उन्हें पेश आ रही दिक्कतों और परेशानियों को सुनकर उसे मौके पर ही निपटाया जा सके। उन्होंने कहा कि परेड में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करने का निर्णय भी लिया गया है। पुलिस लाइन सोलन में आज डिस्ट्रिक्ट लेवल परेड का ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें तमाम हमारे जीओस, ऑल एसएचओस, इंचार्जेस और मोस्टली सारा स्टाफ ने पार्टिसिपेट किया है। इसका सिंपल मकसद यही है कि फोर्स में डिसिप्लिन और डेकोरम बढ़े। फोर्सेज अगर डिसिप्लिन है तो वो अपना काम भी प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, उनका व्यवहार और शिष्टाचार जो पब्लिक के साथ रहता है वो भी डेकोरम भरा रहता है। यूनिफॉर्म सबकी एक है, जो अच्छा परेड करेगा, जिसका टर्नआउट अच्छा होगा, उसको अवश्य सम्मानित भी किया जाता है। हमारी एक लेडी हेड कांस्टेबल है सरला और एचएससी भीम है, उनको हम सम्मानित करेंगे। और इसके साथ साथ आज एक खुला दरबार भी आयोजन किया गया, क्योंकि फोर्सेज में भी 24 घंटे की नौकरी है और वेलफेयर की इश्यूज रहते हैं, तो उनको सुनने के लिए आज खुला दरबार का भी आयोजन किया गया है। जो इनकी प्रॉब्लम है फील्ड में एक्चुअली काम करने में, इनको प्रोफेशनली क्या दिक्कतें हैं, फैमिली वाइज कुछ इश्यूज हैं, ये हमारा फ़र्ज है, लीडर्स का फ़र्ज है इनको सॉल्व करें या फिर इसके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाएं। तो आज यही प्रयास रहा है।